नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सर्किट विद इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रेजिस्टर। जब हम किसी एक सर्किट के अंदर ये तीनों चीज़ों को फिट करेंगे, तो तीनों चीज़ों को फिट करने से, ये जो एलिमेंट है इनको लगाने से, उसमें जो है कितना अपोजिशन क्रिएट होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ ये जो अपोजिशन क्रिएट होता है उस वाले अपोजिशन को हम मिनिमम किस तरह से कर सकते हैं, इस चीज़ के बारे में भी हम पढ़ते हैं। तो देखो दोस्तों, मान लो ये रेजिस्टेंस है R, ये एक इंडक्टर है, ये रेजिस्टेंस है जिसका, ये एक रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस R है, ये इंडक्टर है और यहाँ पर एक कैपेसिटर है और इसको एसी के साथ हमने जो है कनेक्ट कर दिया। इसका रेजिस्टेंस आर है, इसका जो, देखो इसका जो ओपोजिशन है उसको हम रेजिस्टेंस मानते हैं आर, इसका जो ओपोजिशन होगा वो है एक्स एल, नीचे हम निकाल चुके हैं, इसका एक्स सी, ठीक है, इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसको हम बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखो ये वाला जो, जब हमने इसको रेजिस्टर को लगाया, रेजिस्टर को लगाने के बाद हमने जो ईएमएफ दिया, मैक्सिमम ईएमएफ दिया ई नॉट, मैक्सिमम ईएमएफ ई नॉट के कारण जो करंट मैक्सिमम बनी वो कितनी होगी, आई नॉट। अब ये I नॉट करंट इसमें मूव करेगी, जब I नॉट करंट यहाँ पर आएगी, देखो सीरीज में है, अगर सीरीज में है तो करंट चेंज नहीं होगी, करंट चेंज नहीं होगी लेकिन पोटेंशियल चेंज होगा। यहाँ पे पोटेंशियल अलग, यहाँ पे पोटेंशियल अलग, यहाँ पे पोटेंशियल अलग, इस पोटेंशियल को हम नाम दे देते हैं वी आर। नाउ V इज इक्वल टू आई आर, आई नॉट आर, ये पोटेंशियल इसके लिए। नाउ वी एल, पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू दिस एलिमेंट इज इक्वल टू I naught and XL, because opposition is XL. Similarly for this, VC is equal to I naught X and C. तो ये potential difference इसके across create होगा, क्योंकि ये वाला हमने EMF apply किया, ये EMF इसमें बट जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब ये वाला जो opposition है, ठीक है, ये अपोजिशन, ये अपोजिशन, ये अपोजिशन, इन अपोजिशन को हमने ऐड करें, ऐड किया, और ऐड करने से टोटल कितना अपोजिशन हमको मिलता है उस चीज़ को हम यहाँ पर निकालते हैं। साथ ही साथ इस वाले अपोजिशन को हम मिनिमम से मिनिमम किस तरह कर सकते हैं, इस चीज़ को भी हम जो है निकालते हैं। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए हम वेक्टर एडिशन करते हैं। वेक्टर एडिशन किस तरह से, देखो ये वाला रजिस्टर लगा हुआ है तो इसमें करंट और जो पोटेंशियल है दोनों का क्या होता है, सेम ही फेस होता है, ठीक है। तो मान लेते हैं ये क्या है, ये है वी आर, ठीक है, और ये आई नॉट इसी डायरेक्शन में है, तो इसको यहां से हटा देते हैं अब एक मिनट। अब ये है बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर, कौन, ये वी सी, ये कौन है, ये है वी सी। अब इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में कौन है, एक्सएल, एक्सएल यानी कि वी एल, वी एल, ठीक है दोस्तों। ये इस तरह से निकलकर हमारे पास आ जाएंगे। अब ये ऐसा क्यों है, इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर ये, इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर ये, तो जो है आप एसी सर्किट विद कैपेसिटर और एसी सर्किट विद इंडक्टर में जाकर देखिएगा, ये वाला जो पोटेंशियल है या फिर करंट है, करंट के साथ जो ये वाला ईएमएफ है, ये 90 डिग्री का फेस बनाता है और इससे 90 डिग्री आगे रहता है। ये भी जो VL है
ये भी इसे 90 डिग्री का फेस लगाता है, फेस बनाता है, और 90 डिग्री क्या रहता है, पीछे रहता है, मतलब कि एंगल ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू एंड ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू का फेस डिफरेंस रहता है, ठीक है दोस्तों। और ये एक दूसरे के बिल्कुल परपेंडिकुलर होते हैं। अब देखो इनका वेक्टर एडिशन करना है। सबसे पहले ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इस वेक्टर में से इस वेक्टर को हटा देते हैं, मान लेते हैं इसकी वैल्यू ज़्यादा है इसकी कम है, मान लिया। अगर मान लिया तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो मान लीजिए ये इतना रह गया, इतना, तो ये कितना हो गया बी सी माइनस बी एल, ठीक है। अब इसका काम ख़त्म, इसका काम ख़त्म, तो इसका और इसका रह गया बस। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो है पैरेलल पेन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा दिया, और ये इसकी डायरेक्शन फाई। उससे पहले हम क्या करते हैं, देखो ये वाला जो वी आर है ये पोटेंशियल है इसके कारण, ठीक है। अब देखो वी इज इक्वल टू आई आर होता है ना, हमारे मैक्सिमम करंट कितनी है ये, और ये है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रजिस्टर। तो जो एलिमेंट है आई नॉट, इसको हम डिवाइड करते हैं इसके साथ, तो यहाँ पर कितना आ गया आर, तो इसको डिवाइड कर दिया अगर हमने आई नॉट से, तो हमारे पास क्या आ गया रेजिस्टेंस आर, तो ये आ गया रेजिस्टेंस आर, ठीक है दोस्तों। अब ये वाला ई नॉट ना इसके लिए नहीं है, यहाँ पे जो ई नॉट सप्लाई हो रहा है उसके लिए है। अब देखो वी सी माइनस वी एल, वी सी को डिवाइड किया हमने, वी सी को डिवाइड किया आई नॉट से, ठीक है, वी सी को डिवाइड किया आई नॉट से, क्या आ गया एक्स सी, तो इसकी जगह पर हम लिख देते हैं एक्स सी। इसी तरह से यहां पर क्या आ जाएगा एक्स एल, ठीक है। अब इनका जो कंबाइंड इफेक्ट बनेगा ये तो हटा दिया हमने यहां से, ठीक है। अब ये वाला वेक्टर और ये वाला जो वेक्टर था उसका इफेक्ट ये, अब ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर इसका इफेक्ट कहां पे आएगा, ये वाला रिजल्टेंट वेक्टर। अब ये वाला जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, ये वाला रिजल्टेंट वेक्टर हमको कंबाइंड इफेक्ट बताएगा तीनों का, तीनों का मतलब है इसका, इसका और इसका। अब ये वाला जो कंबाइंड इफेक्ट होता है, इस कंबाइंड इफेक्ट को हम बोलते हैं इम्पीडेंस, इसको डिनोट करते हैं जेड से। तो इम्पीडेंस क्या होता है, कंबाइंड इफेक्ट और अपोजिशन, कंबाइंड अपोजिशन ऑफ रेजिस्टेंस इंडक्टर और कैपेसिटर का, या फिर कंबाइंड इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड जो है कैपेसिटिव रिएक्टेंस का, ये इम्पीडेंस होता है। चलो इसको निकालते हैं। अब ये वाला जो हम मान लेते हैं ये है जेड, तो जेड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल, एक्स सी माइनस एक्स एल स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा होता है। अब यहाँ पर देखो ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर दोनों एक दूसरे के बिल्कुल परपेंडिकुलर है, तो कॉस 90 कितना हो गया जीरो, तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ये चीज़ निकल कर आएगी, तो ये आ गया हमारे पास इम्पीडेंस, ठीक है दोस्तों। कि इन सबको मिला के जो अपोजिशन हमको मिलेगा वो ये अपोजिशन होगा। अब हम मान लेते हैं कि ये वाले जो एक ये था, ठीक है, ये एक्स सी, ये एक्सएल और ये आर, हम मान लेते हैं कि एक्सएल इसमें है ही नहीं, एक्सएल इसमें है ही नहीं, तो एक्सएल को यहाँ से हटा दो, सिर्फ और सिर्फ क्या आ गया आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। हमने मान लिया कि इसमें एक्स सी नहीं है, एक्स सी नहीं है, तो इनका जो है रिजल्टेंट वो कितना हो जाएगा, अब यहाँ से एक्स सी को हटा दो, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर, ये इम्पिडेंस हमारे पास निकल कर आएगा। अगर इसमें से इसको हटा दिया या फिर इसको हमने हटा दिया, तो सीधी से बात है अपोजिशन कम हो गया, अपोजिशन कम हो गया मतलब कि इनमें से एक चीज हट गई, ये तो हो गया ये। अब इसी वाले सर्किट को ये भी रहे और ये भी रहे, ठीक है, लेकिन फिर भी इम्पीडेंस कम हो जाए, मतलब कि अपोजिशन कम हो जाए, उसके लिए हम क्या करें, उसके लिए हम करेंगे जेड मिनिमम, जेड मिनिमम के लिए हम क्या करेंगे, ये देखो एक्स सी, अगर
एक्स सी माइनस एक्स एल, यानी के एक्स सी बराबर हो जाए एक्स एल के, तब जेड सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस। ठीक है, आर का स्क्वायर है ना, तो इससे ये कट जाएगा, ये हो जाएगा जीरो, तब जेड की वैल्यू आर हो जाएगी, यानी कि जेड क्या हो जाएगा, मिनिमम इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। अब ये चीज कैसे होगी, अब देखो एक्स सी किसके बराबर होता है, एक्स सी बराबर होता है वन ओवर सी ओमेगा, और एक्स एल बराबर होता है एल ओमेगा। अगर हम एल ओमेगा को बराबर कर दें वन ओवर सी ओमेगा के, तो ओमेगा को ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दो, ओमेगा स्क्वायर वन ओवर सी एल, इसको यहाँ से हटाओ और यहाँ पर ले आओ। अब ओमेगा क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा इसकी फ्रीक्वेंसी है। अगर ओमेगा को हम इतना कर दें कि वो इसका जो कैपेसिटेंस है और इसका जो इंडक्टेंस है, ठीक है, इसका इंडक्टेंस और इसका कैपेसिटेंस, ठीक है, इनका स्क्वायर रूट और इनके ऊपर एक है वन डिवाइड बाय ये चीज, ये हमको पता चल जाए, मान लीजिए ये चीज हमको पता है, ठीक है, कैपेसिटेंस पता है, एल जो है इंडक्टेंस पता है, तो उससे हम क्या करेंगे, ओमेगा निकाल लेंगे और इतने ओमेगा की सप्लाई इसको दे देंगे, ठीक है, या फिर फ्रीक्वेंसी, चलो हमको फ्रीक्वेंसी पता है कि भाई ओमेगा हम कितना अप्लाई कर रहे हैं, और इनमें से किसी एक की वैल्यू हमको पता है एल या फिर सी की, तो हम क्या करेंगे, इसमें जो है एल की वैल्यू पुट कर देंगे, ओमेगा की पुट कर देंगे और सी की वैल्यू निकाल लेंगे, तब जो है हमारे पास जेड मिनिमम हो जाएगा। तो यहां पर जो है जेड मिनिमम की कंडीशन क्या हो जाएगी, तो जेड मिनिमम कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस आर के, ठीक है दोस्तों, कब, जब एल ओमेगा बराबर हो जाएगा वन ओवर सी ओमेगा के, या फिर ओमेगा इसके बराबर है इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी लिखें तो ये हो जाएगा 2 पाई न्यू को यहीं पर रहने दो, या फिर 2 पाई एफ भी जो है इसको इस तरह से लिख सकते हैं, मर्जी आपकी है, ठीक है, ये हो जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एल सी, और यहाँ पर आ गया 2 पाई, ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे पास जो है जेड मिनिमम आ जाएगा। अब जेड मिनिमम हो गया, यानी कि अपोजिशन कम से कम हो गया, तो करंट बढ़ जाएगा। अगर करंट बढ़ गया तब क्या होगा, देखो तो इम्पीडेंस V इज इक्वल टू आई आर की टर्म में अगर हम लिखें तो ये क्या है, अपोजिशन है, तो ये I नॉट Z और ये मैक्सिमम EMF जो हमने अप्लाई किया, तो मैक्सिमम करंट क्या हो जाएगा, I नॉट इज इक्वल टू E नॉट ओवर Z मिनिमम, ये जो है मैक्सिमम करंट जाएगा, ये मैक्सिमम करंट जाएगा मैक्सिमम ईएमएफ के साथ, कब, जब जेड मिनिमम हो जाएगा, और जेड मिनिमम कब होगा, जब ये वाली कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज आपको जो है इसमें ध्यान में रखनी है, ये फॉर्मूले आपको इसमें ध्यान में रखने हैं, और साथ ही साथ आपको ध्यान में रखना है कि इम्पीडेंस क्या होता है, इम्पीडेंस कंबाइंड इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस का, या फिर अपोजिशन ऑफ इन तीनों का, जो है अपोजिशन होगा ये हमारा जेड मिनिमम, यानी कि सॉरी इम्पीडेंस निकल कर आ जाएगा इन तीनों का जो अपोजिशन है उसको सम करके, अभी जो है किस तरह से इसका सम करना है, वेक्टर एडिशन हमको इसमें लेना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि इसमें इम्पीडेंस कितना होता है, मिनिमम इम्पीडेंस कितना होता है, ठीक है। साथ ही साथ अगर किसी कोई भी जो है सिर्फ दो सर्किट दे रखे हैं तब इम्पीडेंस क्या होगा, तो ये चीज़ें आप जो है इसमें निकाल सकते हैं, और ये फॉर्मूले आपको थोड़ा इसमें ध्यान में रखने हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए सभी फ्रेंड्स के साथ। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो विकास मलिक फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स को यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करना न भूलें।
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।